तो चलिए फ्रेंड, आज मैं हाल ही में हुए कर्नाटका बीओई 2022 के पेपर टू में पूछे गए एमसीक्यू का सलूशन देखने वाले हैं। तो देखिए, इससे पहले पेपर वन में जितने भी एमसीक्यू था, लगभग हमारा 25 एमसीक्यू था, उसका सलूशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि पेपर टू में जितने भी एमसीक्यू है उसका सलूशन कैसे किया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग जितने भी एमसीक्यू है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द टोटल हीट और हीट कंटेंट इन अ सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी कि टोटल हीट कंटेंट को क्या बोला जाता है, एंट्रोपी बोलते हैं, एंथाल्पी बोलते हैं, या स्पेसिफिक हीट, या लेटेंट हीट। तो देखिए, टोटल हीट कंटेंट इन अ सिस्टम को हम लोग एंथाल्पी बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंथाल्पी इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन, या हम लोग टोटल हीट कंटेंट को बोलते हैं लेटेंट हीट, और सेंसिबल हीट का एडिशन को हम लोग एंथाल्पी बोलते हैं। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी। तो चलिए, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दो नंबर को डिस्कस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, द सम ऑफ गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड एज, यानी कि हमारा जो प्रेशर गेज में जो प्रेशर शो कर रहा है वो प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वातावरण का जो प्रेशर है, इन दोनों प्रेशर को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो हमारा गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। तो इस तरह से हमारा सेकेंड का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए। तो चलिए, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द टू मेजर इंग्रेडिएंट्स ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द फ्यूल्स, यानी कि फ्यूल में इनमें से कौन सा मेन टू मेजर इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि मेजर कंस्टिट्यूएंट इनमें से दो कौन सा होना ही चाहिए फ्यूल में। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कार्बन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन, और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, यानी कि उसके अंदर हमारा कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज होता है। जैसे कि हमारा मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन वगैरह हो गया, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों का मिक्सर होता है और वही मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। तो इस तरह से अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो थर्ड का हमारा होगा ऑप्शन सी, यानी कि टू मेजर इंग्रेडिएंट्स में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो चलिए, अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि फोर्थ नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, यानी कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी, किसी भी मटेरियल का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते हैं उसको हम लोग कैसे डिफाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड कर देना है वर्किंग स्ट्रेस से। तो यहाँ पे हम लोग इनमें से मैच करते हैं कि कौन सा है अल्टीमेट स्ट्रेंथ अपॉन वर्किंग स्ट्रेस। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू इंटरनल स्ट्रेस, तो ये नहीं होने वाला है। ऑप्शन बी में दिया है वर्किंग स्ट्रेस टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो ये जस्ट अपोजिट कर दिया है, तो ये भी नहीं होने वाला है। ऑप्शन सी में दिया है अल्टीमेट स्ट्रेंथ टू एक्चुअल स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस मतलब कि जो अभी चल रहा है, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन डी में दिया हुआ है सियर स्ट्रेस टू टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो गया वो है ऑप्शन सी। तो चलिए, अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि फाइव नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हेन द स्टीम इज फर्स्ट बीइंग इंट्रोड्यूस इनटू अ पाइपिंग सिस्टम इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट, यानी कि जब हम लोग किसी भी पाइपलाइन में स्टीम को खोलेंगे यानी कि स्टीम को पास करवाएंगे, तो उस कंडीशन में हमारा इनमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है कि ऑल द वाल्व्स आर वाइड ओपन, ऑल द ड्रेन्स आर क्लोज्ड, ऑल द कंडेंसेट इज रिमूव्ड, एंड डी ऑप्शन दिया है ऑल द बाईपास वाल्व्स आर फुल्ली क्लोज्ड। तो देखिए, जब भी हम लोग स्टीम लाइन में स्टीम को ओपन करते हैं तो हमारा जितने भी कंडेंसेट है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, और उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रेन वाल्व जो भी है उसको ओपन करके रखते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो तो गलत है, क्योंकि हम लोग पूरा वाल्व को ओपन नहीं कर पाएंगे, और ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि हम लोग ड्रेन को क्लोज नहीं करेंगे। अगर ड्रेन क्लोज रहेगा तो हमारा कंडेंसेट रिमूव कैसे होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट लग रहा है, तो इसलिए हमारा फाइव का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि डी ऑप्शन में क्या दिया है कि ऑल बाईपास वाल्व्स आर फुली क्लोज, तो बाईपास वाल्व को हम लोग फुली क्लोज नहीं करते, क्योंकि हम लोग बाईपास
वाल्व को इनिशियली मतलब हीटअप के लिए ओपन करते हैं और हमारा जो ड्रेन लाइन है उससे पहले हमारा ओपन रहता है। इस तरह से हमारा ड्रेन से कंडेंसेट रिमूव होता रहेगा और हमारा बाईपास से स्मॉल अमाउंट में स्टीम आता रहेगा, जिससे हमारा जो लाइन है इनिशियल हीटअप होने लगता है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टीम जस्ट अबव द वाटर सरफेस इन बॉयलर ड्रम इज कॉल्ड, यानी कि बॉयलर ड्रम में जो हमारा स्टीम होता है वाटर सरफेस के ऊपर जो हमारा स्टीम रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई सेचुरेटेड स्टीम बोलेंगे, वेट स्टीम बोलेंगे, या सुपर हीटेड स्टीम बोलेंगे, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, हमारा स्टीम ड्रम के अंदर जो स्टीम रहता है वो ड्राई सेचुरेटेड फॉर्म में रहता है, इसलिए हमारा 6 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू होता है 1.013 बार। तो इस तरह से हमारा 7 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 8 नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयलर्स ऑपरेट्स एबव क्रिटिकल प्रेशर, यानी कि इनमें से कौन सा बॉयलर है जो कि एबव क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर मतलब ऑपरेट किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वंस थ्रू बॉयलर है वो एबव क्रिटिकल प्रेशर बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सुपर क्रिटिकल बॉयलर, क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर को हम लोग सुपर क्रिटिकल बोलते हैं। तो इसलिए हमारा 8 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए, यानी कि हमारा क्रिटिकल प्रेशर से ऊपर प्रेशर जो हो गया उस बॉयलर को हम लोग बोलेंगे वंस थ्रू बॉयलर। यानी कि इस टाइप के बॉयलर में हमारा एक तरफ से वाटर इनलेट होता है, दूसरे तरफ से हमारा डायरेक्टली स्टीम का प्रोडक्शन हो जाता है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू फाइंड, यानी कि बॉम्ब कैलोरीमीटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोल का जो GCV है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मेनली बॉम्ब कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन रीड करते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए दिया है ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम, तो ये गलत है। ऑप्शन बी दिया है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैस, यहाँ पे गैस दिया है, जिसे भी फाइंड आउट कर रहा है लेकिन गैस का बोल रहा है, तो ये भी गलत आंसर है। सी ऑप्शन दिया है ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल, यानी कि जिस भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी भी सॉलिड जैसे कि हमारा कोल वगैरह हो गया या लिक्विड फ्यूल का, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि ऑप्शन डी जो दिया है इसमें नेट कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड दिया है। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग इससे फाइंड आउट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, तो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है कि जो भी हमारा H2O का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि जब हम लोग फ्यूल का कंबशन करवाएंगे तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन होगा उसकी वजह से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जो H2O का फॉर्मेशन करता है, तो वो H2O फिर हीट को एब्जॉर्ब करके स्टीम में प्रोडक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है वहाँ पे हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि वहाँ पे लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करता है। तो उस लेटेंट हीट को जब माइनस करेंगे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में से, तब उसको हम लोग नेट कैलोरीफिक वैल्यू बोलेंगे, जबकि हमारा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है टोटल कितना हीट कंटेंट है। तो इस तरह से हमारा जो बॉम्ब कैलोरीमीटर का जो यूज होता है वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए होता है, यानी कि जो भी हमारा स्टीम बना है उसका भी हीट को हम लोग, यानी कि स्टीम को कंडेंस करके उसका हीट को हम लोग फिर से काउंट करते हैं, टोटल हीट कितना हम लोग प्रोडक्शन किए हैं, यानी कितना हमारा हीट लिबरेट हुआ है उस फ्यूल से, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो 9th का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन सी। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है अ डिवाइस यूज टू हीट द फीड वाटर by utilizing the heat in the exhaust flue gases before leaving through the chimney is called, यानी कि ऐसा डिवाइस जो कि फीड वाटर को हीट करने के लिए यूज किया जाता हो, और इसको हम लोग हीट कैसे करेंगे, तो जो हमारा एग्जॉस्ट फ्लू गैस है उसका हीट को यूटिलाइज करके, यानी कि हमारा चिमनी से निकलने से पहले जो एग्जॉस्ट फ्लू गैस है उसका हीट को एब्जॉर्ब करके, फीड वाटर का हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इकोनोमाइजर, क्योंकि इकोनोमाइजर के अंदर हम लोग फीड वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं जो भी हमारा एग्जॉस्ट फ्लू गैस है उसकी मदद से। तो इस तरह से हमारा 10 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन ए। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 11 नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है द पर्पस ऑफ फिन्स ऑन अ कन्वेक्टर ट्यूब इज टू, यानी कि हमारा कन्वेक्टर ट्यूब में फिन्स का जो यूज करते हैं उसका मेन पर्पस क्या है। तो देखिए, जब हम लोग फिन्स लगा देते हैं तो जो हमारा हीटिंग सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए दिया है स्ट्रेंथन द ट्यूब, यानी ट्यूब को मजबूती बनाने के लिए, तो ये नहीं है। बी ऑप्शन दिया है मेक इट लाइटर इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसको लगाने से हमारा जो
कंस्ट्रक्शन है वो लाइट हो जाता है यानी कि हल्का हो जाता है, तो ये भी आंसर गलत है। सी ऑप्शन दिया है इंक्रीज द हीट ट्रांसफर एरिया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि हमारा डी ऑप्शन दिया है प्रिवेंट द रैप्चर यानी कि हमारा फटने से बचाने के लिए, तो नहीं। इस तरह से हमारा 11 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है, तो फिन्स का किसी भी कन्वेक्टर ट्यूब पे हम लोग लगाते हैं जिससे हमारा हीट ट्रांसफर एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 12 नंबर को डिस्कस करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन एन इम्पल्स टर्बाइन यानी कि इम्पल्स टर्बाइन में इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इम्पल्स टर्बाइन के केस में क्या होता है कि जो हमारा फिक्स ब्लेड होता है यानी कि जो हमारा नोजल होता है उसी में स्टीम को सबसे पहले हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, उसके बाद हमारा स्टीम का एक्सपेंशन नहीं होता है। यानी कि इम्पल्स टर्बाइन के केस में जो भी हमारा एक्सपेंशन होगा स्टीम का वो हमारा केवल फिक्स ब्लेड यानी कि नोजल में होता है। तो चलिए इसका हम लोग ऑप्शन रीड करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है कि स्टीम इज एक्सपेंडेड इन फिक्स ब्लेड एंड मूविंग ब्लेड कंटिन्यूसली, तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि हमारा जो भी एक्सपेंशन होगा वो केवल नोजल में होगा। तो ऑप्शन बी दिया है स्टीम इज एक्सपेंडेड इन नोजल वॉल्वनी एंड देयर इज अ प्रेशर ड्रॉप एंड हीट ड्रॉप, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ऑप्शन सी दिया है स्टीम इज एक्सपेंडेड इन मूविंग ब्लेड वॉल्वनी, मूविंग ब्लेड में नहीं होता है। सी ऑप्शन दिया है द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ स्टीम रिमेन कॉन्स्टेंट, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे हमारा जो 12 का करेक्ट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन बी यानी कि इम्पल्स टर्बाइन में जो हमारा स्टीम का एक्सपेंशन होता है वो ओनली नोजल में होता है और उसके बाद हमारा जो भी प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो वहाँ पे उसी नोजल में ही ड्रॉप करेगा, उसके बाद कहीं ड्रॉप नहीं करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि हम लोग का ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसमें हम लोग 12 नंबर डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा 13 क्वेश्चन बचेगा वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।